दर्शकबिन नमस्कार प्राइम टॉक में अपने के हार्दिक स्वागत करै छी। कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूपेण अपने सबके टेलीविजन स्क्रीन पर विभिन्न व्यक्तित्व के संग उपस्थित होइ छी। संदर्भ हमरा सबक फरक रहैए आ ओहि संदर्भ से संबंधित व्यक्तित्व लोकन के स्पेशलिस्ट लोकन के हम सब बजा कर ओहि संदर्भ पर बातचीत करै छी। आजुक संदर्भ किछु पृथक अछि, राजनीतिक से हटि कर चिकित्सा क्षेत्र में वा कहि चिकित्सा पद्धति के विषय में बातचीत करी। जनकपुर एहन स्थान छै, धार्मिक स्थल छै, जतय से विभिन्न क्षेत्र में स्पेशलिस्ट लोकन के एकटा जन्म देवे वाला स्थल छै जनकपुर। जनकपुर के लोग अपने के विभिन्न सेक्टर में विभिन्न कंट्री में एकटा नीक पोजीशन पर भेटत। हम सब हुनका सब संग बातचीत करैत रहै छी जौं ओ सब जनकपुर में उपलब्ध होइ छथिन। आजुक हमरा सबके अवसर भेटल अछि एकटे एहन व्यक्तित्व हमरा सबक अतिथि छथि जे कैंसर आ ब्लड यानी कि रक्त के स्पेशलिस्ट छथि आ यूएसए में अमेरिका में एकटा नीक पोजीशन पर वा कही नीक हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट के रूप में काज कर रहल छथिन। कैंसर खास कर आ ब्लड के क्षेत्र में आ चर्चित डॉक्टर छथि ओत। तो हुनका आजुक कार्यक्रम में आमंत्रित करबाक हमरा सबक उद्देश्य अछि जे ओ ओत कोना क पहुँचलनि आ नेपाल के चिकित्सा पद्धति, नेपाल में कैंसर के अवस्था, नेपाल में कैंसर के जटिलता केना के समाधान भऽ सकैए, यावत विषय में बातचीत करबाक लेल आजुक हमरा सबक अतिथि छथि कैंसर आ ब्लड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय शाह जी। विनय जी स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद कि यहाँ राजनीतिक के अलावा अन्य क्षेत्र के लोग सब के भी आमंत्रित करी छी। डॉक्टर साहब शुरू करी अपने के छोट परिचय जनता बुझे जे अपने जनकपुर के छी आ कत की कर रहल छी एखन। जी तो हमर नाम डॉक्टर विनय शाह छै, हम मिल्स एरिया के छी। अभी हम अमेरिका के वाशिंगटन स्टेट में कैंसर आ ब्लड के स्पेशलिस्ट के रूप में काज करै छी। डॉक्टर साहब कैंसर स्पेशलिस्ट छी अपने, कैंसर से शुरू करै छी। जी नेपाल में कैंसर के अस्पताल भरतपुर में छै जे नाम चल अस्पताल छै, ओत देखल जाए तो तराई मधेश के पेशेंट सब अत्यधिक रहे छे, पहाड़ सब बेसी रहे छे। हम ओत से शुरू करब, कैंसर के कारण की होय छे आ तराई मधेश के पेशेंट ओला बेसी होबे के कारण की छे। तो कैंसर के बहुते सारा कारण है, जेना कि सिगरेट पीनाय कैंसर करै छे। कुछ एहन चीज सब जेना दारू पीनाय है, बहुते दारू पीबे तो ओहू से कैंसर हो सकै छे। कुछ इन्फेक्शन जेना हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन, ये सब भी कैंसर करवा सकै छै। एहि के साथ साथ शरीर में एक जेनेटिक जे रहै छै, जेनेटिक म्यूटेशन रहै छै, जीन के समस्या के चलते भी कैंसर हो सकै छै। अब यहाँ के तराई के आर जनकपुर के लोग सब भरतपुर केला जाइ छथि केला कि यहाँ ई सुविधा उपलब्ध ही नहीं छै, ते के चलते मजबूरी के चलते कैंसर के बीमारी सब एते दूर ट्रैवल कऽ के यात्रा कऽ के भरतपुर जाके इलाज कराबै छथि। कैंसर सामान्य लोग के सेहो भऽ जाइ छै, मतलब कोनो चेकअप कराबऽ जाउ तकर बाद कोनो ओकर जे ब्लड चेकअप कराउ, एक्सरे कराउ तऽ थाह लगै छै जे कैंसर भऽ गेलै। वास्तवमे कैंसर के लक्षण सब की होइ छै? तऽ कैंसर के लक्षण एहि पर डिपेंड करै छै कि कोन अंग के कैंसर है। जेना कि अहाँके दिमाग के कैंसर होतै तऽ कभी कभार याददाश्त गुम जनाइ, हेडेक होनाइ मतलब माथा दुखनाइ, कभी कभार पैरालिसिस होनाइ, ई सब कैंसर के लक्षण हो सकै छै। जेना कि अहाँके अगर फेफड़ा के अगर कैंसर है तो ओहिमे कफ, सांस लेबे में कठिनाई, कभी कभार खून कफ करनाइ, ई सब अथी की कहै छै ओकर लक्षण हो सकै छै। ओहि ढंग से अहाँके पेट के कैंसर है तो पेट दुखनाइ, उल्टी आनाइ, ओहि ढंग के सिम्टम्स हो सकै छै। तो मेन बात ई भेलै कि कोन ढंग के लक्षण हेतै ई डिपेंड करै छै कौन अंग के कैंसर है और कत फैलल है। कैंसर हम अहाँ सब सिंपली कैंसर के विषय में बातचीत के लिए डॉक्टर साहब अपने यूएसए में रहै छी, अमेरिका नेपाली के लिए सपना के विषय छै। अपने ओत रहै छी, ट्रीटमेंट करै छी ओत के पेशेंट के, नेपाल में सेहो टाइम टाइम में आबि कऽ
यताके चिकित्सा पद्धति वा कहीँ एउटा स्पेसलिस्टको रूपमा आएको यताके डाक्टर सबके सुझाव सल्लाह दै छी एउटा लेक्चररको रूपमा से हो अपने से हमर सवाल ये जे क्यान्सर अमेरिका में कतेक बड़का रोग छै किएक तऽ नेपालमै बहुत बड़का रोगके रूपमा एउटा जखने कहलक क्यान्सर तऽ आदमी फेन्ट भऽ गेल मतलब क्यान्सर केना भऽ गेलै अमेरिका में कैंसर के कोन रूप चलै छै तो कैंसर जे है से बड़के बीमारी है ई छोट बीमारी तो है नहीं कोई भी आदमी सुनते कि हमरा कैंसर भ गेल तो ओकरा बहुते डर लगै छै लेकिन अमेरिका में उपचार पद्धति एते आधुनिक है कि बहुत सारा बार हम सब कैंसर के पूर्ण रूप से निर्मूल कर सकै छी क्योर कर सकै छी आ बहुते बार क्योर नहीं कर सकै छी निर्मूल नहीं कर सकै छी तो दवाई पर सालों तक कईयन साल तक बीमारी सब की कहे से इलाज करा रहा है जी रहा है तो उपचार पद्धति बढ़िया भेला से कैंसर के बढ़िया से कंट्रोल कैल जा सके इन जनरल समस्या ये है नेपाल जैसे देश सब में कि यहाँ डॉक्टर्स के भी कमी है और के साथ साथ वही ढंग के मशीन वही ढंग के इलाज सब चीज़ की कमी तब उ सब के समस्या है लेकिन ई है कि यहाँ पर भी वही ढंग के पद्धति सब उपचार पद्धति सब लाल जा सके से डॉक्टर्स के ट्रेनिंग कैल जा सके से और हम सब वही इलाज के बढ़िया कर सके से तो मेन बात ये कि पुरान जमाना में रह लिया कैंसर के मतलब डेथ सेंटेंस है कि ना आप तो हमारी जिंदगी खत्म है से बात ना है कैंसर एक एहन बीमारी है जेकरा जल्द उचित स्टेज में अगर मालूम है अर्ली स्टेज में मालूम है तो कम्प्लीटली क्योर कैल जा सके निर्मूल कैल कैल जा सके लेट स्टेज में भी हम सब इलाज कह के सालों तक लोग सब के बढ़िया जिंदगी दे सके कैंसर के इलाज पद्धति ठीक होबे के चाहिए कि मेडिसिन ठीक आ सही टाइम में भेटे के चाहिए तब कैंसर के इलाज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है मतलब बहुत साधारण ना है एहिमे बहुते बार जे सर्जरी करे पड़ै छै कते बार कीमोथेरेपी देबे पड़ै छै तऽ कीमोथेरेपी जे है से दवाई है जे कि मुख मुँह से खायल जा सकै छै आओर कभी कभार वेन में देल जाइ छै कभी कभार बीमारी सबके रेडियोथेरेपी से सेकन कायल जाइ छै आओर एहिके साथ साथ साइकोलॉजी जेनाकि केकरो डिप्रेशन भऽ गेल तऽ ओकरो तऽ इलाज करऽ पड़लै जी जी तो कैंसर के इलाज जो है इससे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो ऐ के चलते महत्वपूर्ण ये है कि बढ़िया कैंसर के फैसिलिटी कैंसर अस्पताल बनाया जाए जहाँ विभिन्न किस्म के एक्सपर्ट सब रहे और वो सब इलाज अति दे दे अति पेशेंट सब के तो जरूरत वही चीज के अपने के विचार में डॉक्टर साहब अब नेपाल के कैंसर के जो इलाज पद्धति से ट्रीटमेंट करते डॉक्टर साहब अब तक जी कतेक बुझने छै अब अपने बुझने हेबै कतेक स्टैंडर्ड छै नेपाल के कैंसर इलाज पद्धति तब नेपाल के कैंसर इलाज पद्धति कते स्टैंडर्ड छै ई अइ चीज पर डिपेंड करै छै कोन जगह छै जेना सबसे अखन सबके गंतव्य बनै छै पेशेंट के लेल भरतपुर अस्पताल जी अपने ओतऽ यदि बुझने छियै तऽ ओकर स्टैंडर्ड कतेक नीक छै इलाज के अमेरिका के से तो कंपेयर नहीं कर सकै छियै कैला कि अमेरिका में बहुत आधुनिक है कैंसर के इलाज पद्धति वहाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब सब भरतपुर में भी लेकिन बहुत चीज सब उपलब्ध नहीं कराएल जा सकै छै बीमारी सबके कैला कि बहुत मशीन न रहै छै कते बाजी बहुते बाजी उ इलाज कर के लागि दवाई नहीं रहै छै दवाइयो रहै छै तो बहुत महंगा रहै छै जे कि बीमारी सब अथी खरीद नहीं सकते खरीदे के लायक सक्षम नहीं रही छा तब ऐ के चलते ई कहना मुश्किल है कि कौन बीमारी के कते बढ़िया इलाज मिलते जेना कि उदाहरण के रूप में जी कोनो बीमारी के स्टेज वन कैंसर है मान लियो कि पेट के है ना ये पेट के स्टेज वन कैंसर है जी तो ओकरा खाली ऑपरेशन कह के पूर्ण रूप से ठीक कर सकै छै आ भारतपुर रूप में ओ काज कैल जा सकै छै लेकिन कते बीमारी के मान लियो कि स्टेज थ्री लंग कैंसर है चाहे स्टेज टू लंग कैंसर है ओहिमे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करे पड़ते हैं तो कनिका मुश्किल हो सकै छै वहाँ भरतपुर में तो ये डिपेंड करै छै कौन किस्म के कैंसर है और कौन किस्म के ट्रीटमेंट जरूरी है नेपाल में भरतपुर बाहेक
ओतेक चर्चामे नै रहै छै हस्पिटल सब क्यान्सर के इलाज के लेल जी अन्य छै ओहन कोनो स्टैंडर्ड सो नेपाल मे भरतपुर के बाहेक वीर अस्पताल मे भी क्यान्सर के इलाज उपलब्ध छै अइ के साथ-साथ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल मे भी क्यान्सर के सेवा उपलब्ध छै और कुछ प्राइवेट अस्पताल सब छै काठमाडौं मे जहाँ क्यान्सर के उपचार कयल जाइ छै अभी हम आइए सुबह अइलिय धरान से धरान में मेडिकल कॉलेज है बीपी कोइराला बीपी कैचेस जी दैट दैट्स राइट बीपी कैचेस जहां हम एमबीबीएस कर रहे हैं तो बीपी कैचेस में अभी कैंसर के सेवा उपलब्ध नहीं है लेकिन वहां अभी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा है वहां के डॉक्टर साहब सब जी और हमरा बुझाइए तुरंत विद इन नेक्स्ट 1 to 2 years कि कहे से वहां कैंसर के इलाज उपलब्ध होने की संभावना है कैंसर इजिली लेल जा सके कि जटिल लेल जा सके जी अपने एक विदेश के डॉक्टर भेला के नाता से जी कैंसर के कोन रूप से लेल जाए कैंसर एना है कि बहुत ही कौन स्टेज में कैंसर है और कौन अंग के कैंसर है वही पर डिपेंड करे छे जेना कभी कभार कैंसर में खाली एक छोट ऑपरेशन से पूर्ण रूप से ठीक कर जा सके तो ओकरा तो कभी सामान्य कभी कभार ऑपरेशनो करे पड़े छे कीमोथेरेपी भी देवे पड़े छे ए के साथ साथ रेडियोथेरेपी सेकंड भी करे पड़े छे तो कन का मोर कॉम्प्लिकेटेड भेले अब जेना जनकपुर जैसन जगह में जहाँ कैंसर के सेवा उपलब्ध नहीं छे अथवा बीमारी के अंतिम स्टेज है ना स्टेज 4 में कैंसर छे जेकरा पूर्ण रूप से ठीक न कयल जा सके छे तो यहाँ हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर उपलब्ध कराया जा सके छे तो डॉक्टर अजय मिश्रा सर जनकपुर में उनका सबके फाउंडेशन छे एकटा हमर सबके विनय तारा फाउंडेशन जे हम सब शुरू कयले छी 10 साल पहले अमेरिका में जी ओहि फाउंडेशन के थ्रू डॉक्टर अजय मिश्रा के ट्रेनिंग देल छी हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर में तो मेन बात हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर में की कयल जाय छै कि बीमारी जिनका दर्द है उनका दर्द के निवारण किया जाए जी जिनका कब्जियत है कब्जियत के निवारण किया जाए जिनका की कहे छै डिप्रेशन है वही के इलाज किया जाए बहुत ही कैंसर की बीमारी बहुत कमजोर रही छै जी तो उनका डॉक्टर साहब के वहां जाना बड़ मुश्किल है तो हॉस्पिस प्रोग्राम के अंतर्गत डॉक्टर साहब ही पेशेंट के बीमारिया के घर में जाए छै तो पेशेंट सबके डॉक्टर के वहां आवे के जरूरी नहीं छै तो अइ ढंग के सुविधा हम सब जनकपुर में उपलब्ध करेले छी काठमांडू के बाहर हमरा बुझाय ई पहला शहर है नेपाल में जहाँ के हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर के सुविधा उपलब्ध छै जनकपुर में जी विनय तारा फाउंडेशन जी नेपाल में और कतक कतक की काज सब करै छी तो हम सब विभिन्न काज करै छी हमर सब के कार्य क्षेत्र नेपाल छै इंडिया छै और अमेरिका तो नेपाल में हम सब सिविल सर्विस अस्पताल में के साथ पार्टनर के लिए चलिए डॉक्टर सब जहाँ सिविल सर्विस अस्पताल में काम करे छा तो उनका सबके अमेरिका भेज के ट्रेनिंग द के श्रीलंका भेज के ट्रेनिंग द के उनका सबके यहाँ भेज लिए और अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू कर गए नेपाल के पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम सब शुरू करने लगे हेल्प के लिए ऐ के साथ साथ हम सब इंडिया में मध्य प्रदेश सरकार के साथ एग्रीमेंट क के मध्य प्रदेश में 51 हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर प्रोग्राम शुरू कर रहा छी पहला प्रोग्राम और से शुरू भेल है 4 महीना पहले और मध्य प्रदेश पूरा स्टेट में पहला हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर प्रोग्राम ऐ के साथ साथ हम सब अमेरिका में अमेरिका के बहुत ही बड़का बड़का कॉन्फ्रेंस सब करी छी कैंसर में ओय में दुनिया के ही सबसे दिग्गज डॉक्टर सब ऐ के साथ साथ की कहे छै लॉ मेकर सब मतलब लीडर सब पॉलिटिकल लीडर सब उनका सब के एक जगह ला के कैंसर के केना कैंसर के ट्रीटमेंट केना इजीली उपलब्ध कराएल जाए और वो इजीली अमेरिका में वही सब के हम सब प्रयास करे पड़ी छी तो फाउंडेशन के मेन कार्य क्षेत्र है नेपाल इंडिया और अमेरिका और मेन बात यही कि हम सब केना कैंसर के ट्रीटमेंट इजी बनाया जा सके नेक्स्ट साहब अपने विदेश में रहे छे अमेरिका में जी बहुत उदाहरण सब छै
जेना डॉक्टर भगवान कोइराला डॉक्टर उपेन्द्र देव कोटा एकटा हार्ट स्पेशलिस्ट छथिन दोसर न्यूरो सर्जन छथि ओ सब नेपालमे आबिकऽ विदेश आबिकऽ अमेरिका से आबिकऽ नेपालमे एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल सब चलाबि रहल छथिन सेवा प्रदान कऽ रहल छथिन आ हुनका सबके उपस्थिति एकटा बड़का बारी बात भऽ जाइ छै जे हम आइ देवकोटा डॉक्टर लग जचाबऽ आयल छी भगवान कोइराला डॉक्टर लग बचाबऽ आयल छी जचाबऽ आयल छी से रहै छै अपने सब जनकपुरके अपने सबके सम्पर्कमे हैत बहुते डॉक्टर सब अमेरिकामे रहै छथिन जर्मनीमे रहै छथिन विभिन्न सेक्टरके स्पेशलिस्ट छथिन हुनका सब सङ्गे नेटवर्क बनाकऽ ओतौ एकटा नीक कैंसर अस्पताल सेंसिटिव जतेक डिजीज सब छै ओहि सबके इलाज करऽवला अस्पताल खोलिकऽ वा एकटा ट्रस्ट खोलिकऽ ओहन इलाज पद्धति शुरू करै छै सम्भावना कतेक छै तऽ ई हमर एकटा ड्रीम छै तऽ हम तऽ चाहै छी कि जनकपुरमे एकटा दुनियाके लागि एकटा बढ़िआँ स्तरके हाई क्वालिटी कैंसर अस्पताल बनायल जाए आओर बनायल जा सकै छै तऽ हमर आइडिया ई नहि हइ कि एकटा बोर्ड टाँगेके कि इहो कैंसर अस्पताल हइ हमर आइडिया ई हइ कि जेना टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर हइ मुंबईमे वही ढङ्गके जनकपुरमे हाई क्वालिटी कैंसर अस्पताल बनायल जाए तऽ यस वी कैन डू इट ई कयल जा सकै छै लेकिन एहिके लागि पार्टनरशिप चाही कैला कि कैंसर अस्पताल हम चाहै छियै कि लोकल आदमी सबके अपन कैंसर अस्पताल हइ तऽ अगर लोकल आदमी सब अगर लीडरशिप लेतै तऽ हमसब तऽ बहुते खुशीके साथ सहयोग करबै कैंसर अस्पताल बनाबैके लागि ओहिके लेल होमवर्क भेल छै कि नहि डॉक्टर साहब अपने सबके दिससँ वा तऽ कोनो ओहन इंटरेक्शन जे एना करी जी हम प्रयास करि रहल छी विभिन्न कंसर्न की कहै छै लोक सबसे आओर प्रयास करि रहल छी केना ओहिके शुरुआत कयल जा सकै लेकिन अभी तक ओ फाइनलाइज नहि भेल छै अपने प्राइवेट हॉस्पिटलमे ओतऽ काज करै छी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलमे ई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहि छै लेकिन ई नॉन प्रॉफिट अस्पताल छै तऽ ई जे हम सजै जे अस्पताल प्राइवेट लेकिन नॉन प्रॉफिट तऽ ओहिमे एकर मतलब ई भेलै कि ओहिमे जते प्रॉफिट अबै छै ओ केकरो पॉकेटमे नहि जाइ छै ओहिके ओ पैसाके है ना सेवा विस्तार करऽके लागि अथवा जे आदमीके पास पैसा नहि छै हुनका फ्रीमे इलाज करऽके लागि खर्चा कयल जाइ छै ओहन हॉस्पिटल नेपालमे सम्भव छै कि नहि छै जरूर सम्भव छै इनफैक्ट स्वास्थ्यके क्षेत्रमे ओहने अस्पतालके जरूरत छै कैला कि समाजमे कुछ आदमीके पास बहुते पैसा है कुछ आदमीके पास बहुते पैसा नहि छै तऽ जिनका पास बहुते पैसा नहि छै हुनका भी की कहै छै जियैके अधिकार है हुनका भी बढ़िआँ इलाज मिलैके अधिकार है तऽ ई तऽ जरूर होनाइ जरूरी है कैला कि हेल्थ केयर तऽ एकटा बेसिक राइट होनाइ जरूरी है नेपालमे किया नहि भऽ रहल छै तहन अपने सब ई बुझऽ चाहलियै जे अमेरिकामे ओतऽके गवर्नमेंट जी कोन तरहसँ पॉलिसी बनबै छै हेल्थ सेक्टरके लेल पॉलिसी एतऽ नहि बनि रहल छै कि नीतिमे कमी कमजोरी छै कि गवर्नमेंट कैला नहि चाखि दै छै कि की बुझाइ अपनेके तऽ हमरा तऽ बहुत डिटेल नहि मालूम छै कैला कि हम तऽ यहाँ नेपालमे भी नहि रहै छी अभी आओर एहिके साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिपके साथ खासे इंटरेक्शन नहि छै लेकिन स्वास्थ्य चाहे कोनो भी क्षेत्र जे देखबै तऽ ओ ओतेक साधारण नहि छै बहुते कॉम्प्लिकेटेड छै तऽ ओहिमे लीडरशिप लेनाइ जरूरी छै तऽ लीडरशिप के लेतै खाली राजनीतिक नेतागणसँ ही आशा करनाइ सम्भव नहि छै जी डॉक्टर सब छथि एहिके साथ समाजसेवी सब छथि एहिके साथ साथ की कहै छै लोकल बिजनेसमैन सब छथि सबके एक जगह आनाइ जरूरी छै लेकिन ई है कि कुछ आदमीके लीडरशिप लेनाइ बहुत जरूरी है नेतृत्व करनाइ जरूरी है आओर जाबे तक नेतृत्व नहि होतै ताबे तक कोनो भी क्षेत्र कोनो भी देशमे अगाडि नहि बढ़ि सकै छै स्वास्थ्य मात्र नहि कि कोनो भी क्षेत्र अभी देखियै हम यहाँ एलियै अमेरिकासँ तऽ रोड सब 15 साल पहिले जेहन छलै ओहूसँ खराब छै है ना तऽ क्लियरली ओ तऽ एकटा बेसिक चीज है कैला सब आदमीके चलऽ पड़ै छै रोडपर बिल्कुल नहि सब आदमीके की कहै छै मोटरसाइकिल चलबै चाहे साइकिल चलबै चाहे टेम्पू चलबै करऽ पड़तै तऽ रोड तऽ बनाबऽ पड़लै ने तऽ के बनौतै इहेके लोक बनाबऽ पड़तै इहेके सरकारके बनाबऽ पड़तै तऽ तब बनायल जा सकै छै जबकि हरेक क्षेत्रके लोक सब बैठ कऽ कहै छै हमर सबके आवश्यकता की छै हमरा सबके पास की रिसोर्सेज है ना
और केना वही रिसोर्सेज में उनके बढ़िया बनाया जा सके तो करना जरूरी है। वही के साथ साथ हम तो एक्टिविस्ट भी छी, ताकि चलते हम यो कहा जी कि जहाँ करप्शन हो करप्शन के मतलब भले कथी कहे छी मैथिली में भ्रष्टाचार 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 के विरोध में जनगण जनगण जो है जनता जो है अगाड़ी बढ़ना जरूरी है। कल जाले तक भ्रष्टाचार रहते जाले तक ईमानदारिता नहीं रहते समाज में जी ताले तक समाज अगाड़ी बढ़ ही नहीं सके चाहे कितना पैसा अहाँ फेंक दियो। तै के चलते कैंसर अस्पताल जो है पैसा फेंकला से कैंसर अस्पताल नहीं बनते। कैंसर अस्पताल तभी बन सकते जबकि यहाँ के लोग सब जुटते कहते हाँ हमारा जरूरत है हमारा एक लाइक हेल्प करो। बाहरी आदमी सब अस्पताल नहीं बना सके बाहरी आदमी यहाँ के विकास नहीं कर सके खुदे विकास करो। अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में काज करी डॉक्टर साहब जी ओत प्राइवेट हॉस्पिटल के ओत के गवर्नमेंट कौन रूप से हेल्प करे कि रिएक्ट करे वा कौन रूप से समन्वय रहे गवर्नमेंट जने सरकार जने जी तो विभिन्न किस्म के अमेरिका में तो इंश्योरेंस रहे बहुत आदमी के पास तो 65 साल के उम्र के बाद में जते आदमी है ना सबके पास इंश्योरेंस रहे गवर्नमेंट के इंश्योरेंस मतलब उनकर इलाज के बहुत खर्चा सरकार वहन करे है ना। तो वो तो भले जिनकर जे 65 साल से ऊपर उम्र है जी कुछ आदमी सब की कहे छे यंग भी है मतलब ओते उम्र नहीं भेल है ना कम उम्र के लोग सब जिनके पास साफे पैसा ना है तो पैसा तो न पे कर सके इंश्योरेंस के लिए उनको सबके सरकार इंश्योरेंस प्रदान करे छे। तो बहुत गरीब और की कहे छे वृद्ध लोग सबके सरकार इंश्योरेंस प्रदान करे छे। तब जना कोई बीमारी अस्पताल में आले जी तो इलाज करियो और सरकार जो है अहाँके कम्पेंसेशन देते तो ढंग से सरकार जो है अस्पताल सबके आर्थिक रूप से सहयोग करै छै। मतलब अमेरिका में एकटा गरीब पीपल जनता जी ई टेंशन में नहीं रहै छै जे काहे हमरा कैंसर लागत तो हम बिना इलाज के मर जाए नहीं कला कि वहाँ बहुत ही और अथी तरीका है जैसे कि समाज ओहन बीमारी सबके सहयोग करे है ना जना कि सरकारे जे है मेडिकेड नाम के एकटा इंश्योरेंस पॉलिसी है गरीब लोग सबके दे छै तो वही के थ्रू कैंसर के इलाज किया जा सके छै। ओय के साथ साथ बहुते जे है नॉन प्रॉफिट सब नॉन एनजीओ सब कहे छै यहाँ एनजीओ सब प्रदान करे छै सहयोग ओहन बीमारी सबके तो उहे यहाँ के भी संस्कृति वह हो पड़े। एनजीओ के मतलब है ना कमा के खा के अथी की कहे ऑफिस नहीं बनाव पड़े मतलब यहाँ मानसिकता देखी छे कि एनजीओ के मतलब ये भले कि डॉलर के खेती करो तो डॉलर के खेती करवाई तो समाज अगड़ी केना बढ़ते। तो एनजीओ के मेन काज ये छे कि समाज के केना सेवा करो। हमरा हिसाब से तो भ्रष्टाचार और ईमानदारिता भ्रष्टाचार के कम करना है और ईमानदारिता के है ना अगाड़ी बढ़ना है बड़ जरूरी है। जनकपुर के जनरल हॉस्पिटल के जो रोड है डॉक्टर साहब वो सबसे बेसी डॉक्टर सब बैठा वाला पेशेंट पहुँच वाला रोड है। एक प्रसंग अपने के सुनबे जी अपने एक एक्सरे करियो 200 रुपया आबे छै ओहिमे कमीशन भेटे छै 50 रुपया जी अपने डॉक्टर को सजेस्ट करे छै जे फलना डॉक्टर लग जाओ चेकअप कराओ तो ओकरा से कमीशन भेटे छै एजेंट कहे छै दलाल जी दलाल पर चले छै अतके चिकित्सा पद्धति वा कहे ट्रीटमेंट। अमेरिका में जब हमरा कुछ भेले हम ओपीडी में गेलिए इलाज कराब तो केहन सिस्टम छै ओतऽ तो वहाँ अगर कोई भी डॉक्टर ई रंगे कहलकै तो ओकर एकटा रास्ता है जेल के और कोई रास्ता नहीं छै। दोसर बात ये है कि यहाँ डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकै छी कैला कि वो तो खुल्लम खुला भ्रष्टाचारिता है तो वो बहुत गलत प्रवृत्ति छै। तो वहाँ तो एना होइ छै कि जना कि हम डॉक्टर छियै हम हमरे कि कहै छै एकटा एक्सरे मशीन है तो बीमारी के जब एक्सरे रिकमेंड करबै वही एक्सरे मशीन में जाके लागे तो ओकरा इलीगल मानल जाइ छै गैर कानूनी कैला कि मतलब ई भेलै कि हम फायदा के लागे बीमारी के एक्सरे लिखित हो
जेकरा जरूरत नहीं होते ओकरो कहबे कि एक्सरे करवाओ अच्छा है कि ना तो गैर कानूनी भेल एकर मतलब ई भेलै कि अहाँ बीमारी से अनुचित फायदा लऽ रहल छी ओ गैर कानूनी छै जी ओ वाच करै छै के सरकार गवर्नमेंट कैला कि ओ एक्सरे हमरा नाम पर छै आ जते भी चीज हम लिखै छियै ओ सब अथी डेटाबेस में जाइ छै तो मालूम होइ छै कतऽ अथी एक्सरे करवा रहल छै तो सरकार ओहिके वाच करै छै एक्सरे ओ तऽ जरूरी रहै कि नहि रहै सेहो वाच करै छै सरकार ऑफ कोर्स निश्चित रूपसँ कैला कि सरकार छै इंश्योरेंस कंपनी छै कैला कि सरकार अथवा इंश्योरेंस कंपनी सब तऽ डॉक्टर चाहे अस्पताल के पैसा पे करै छै जेनाकि हम कोनो पेशेंट के इलाज के लिए तऽ इंश्योरेंस कंपनी हमरा पैसा देतै तऽ हम जे बेसी इलाज कर बेसी की कहै छै एक्सरे चाहे सी टी स्कैन लिखबै जी तऽ इंश्योरेंस कंपनी बेसी पैसा पे करे पड़तै हमरा तऽ इंश्योरेंस कंपनी से नहि कार्य करै चाहतै तो देखतै कि सचमुच में बीमारी के जरूरत रहलै कि नहि रहलै एक्सरे करबाबै के तेर मतलब ई भेलै कि डॉक्टर सब चाहे है ना वो अपने वाच करैत रहै छै एग्जैक्टली तो डॉक्टर सब भी मनमानी ढंग से कुछ नहि कर सकै छै ना दवाई लिख सकै छै मनमानी ढंग से ना अहाँ की कहै छै विभिन्न टेस्ट सब है एक्सरे सब है सी टी स्कैन सब है ओ सब अथी ऑर्डर कर सकै छै मनमानी ढंग से डॉक्टर ऊपर ओतेक निगरानी छै डॉक्टर साहब जी नेपालमे की कन्सेप्ट छै डॉक्टर अहाँ बनि गेली तऽ खूब पैसा कमाउ जतेक पैसा होइए मतलब लोक पैसा कमाइला डॉक्टर बनै छै अपने सब पर ओतेक निगरानी रहैत होतै ओतऽ अपने सब तऽ बहुत कम कमाइत होबै तऽ लेट्स गो बैक तऽ डॉक्टर सब पैसा कमाएके लागि डॉक्टर बनै छै इनकरेक्ट ओ गलत बात छै हमरा ई बताउ कोनो एहन प्रोफेशन जहाँ के लोक सब जहाँ इंजीनियर बनै छै पैसा कमाएके लागि सरकारी जॉब करै छै पैसा कमाएके लागि जी तऽ जो जे भी जॉब है लोक सब करै छै ओ पैसा कमाएके लागि करै छै तऽ डॉक्टर के ब्लेम करनाय गलत छै है कि ना अभी जे अभी रोड बनै छै सब ठेकेदार सब छथि है ना तो ओ सब भी पैसा कमाएके लागि करै छथि नहीं मानै छी तब मेन बात ई भेलै कि अहाँ सही काम करू आ ओहिके सही कम्पेन्सेशन लू तो अमेरिका में ई बात ना है कि भाई डॉक्टर सब पर निगरानी तो इससे कम पैसा कमाई से बात नहीं है सही काम करो उचित ढंग से पैसा कमाओ आ वैसे अनुचित ढंग से बहुत ज्यादा पैसा कमाए के प्रयास करबे अनुचित ढंग से जी तब वहाँ पर कार्रवाई है कि ना जना कि मान लिये वहाँ ठेकेदार से यहाँ के 10% फायदा हो गया 60% फायदा लो ले भाई तो अनुचित है कि ना लेकिन मान लीजिए 10 करोड़ के प्रोजेक्ट है 10% फायदा लेवे तो 1 करोड़ रुपया फायदा फैले तो बहुत बहुत रुपया है फिर समय एक बुझे के मन करे डॉक्टर साहब अमेरिका के बहुत ही बुझे के मन करते रहे ये तो कोनो डॉक्टर एक से पेशेंट के एक दिन में जी। मतलब चेकअप करे छथिन तो हमरा बुझाए 60-70 आदमी के एक्सरे पैथोलॉजी व अल्ट्रासाउंड नेसेसरी रहे जनकपुर में 30% होते पेशेंट जिनका वो साइकोलॉजिकल बुझ कर दवाई लिखे थे जी जी ओतक की हन से सिस्टम तो अमेरिका में बहुत टेस्ट कर जाए से लेकिन ये है कि अमेरिका में एना है कि हम सब खाली साइकोलॉजिकल बुझ के करे के लागि हिचकिचाइत रहे छे बहुत बजे के लागि हम सब 100% कंफर्म हो चाहे छे कि बीमारी के डिजीज की छे ई कोन डिजीज छे अब जने यहाँ डॉक्टर साहब सब छथ है ना बहुत डॉक्टर साहब सब के पास ओ की कहै छै चीज सब अवेलेबल नहि छै जेना कि सोचबै कुछ जाँच सब हमसब करि सकै छी अमेरिकामे कैले हमसब लगै छी वहाँ जनकपुरमे हुनका सबके पास बड़ मुश्किल छै डॉक्टर साहब सबके तऽ जेहे सम्भव होइ चाहे ओ एक्सरे से होइ चाहे अल्ट्रासाउंड से होइ चाहे है ना ई टेस्ट सबके थ्रू प्रयास करै छथि कि है ना उचित की कहै छै इलाज की कयल जा सकै छै जेना अमेरिकामे सी टी स्कैन मानि लियौ सी टी स्कैन हम बहुते करै छी एम आर आई चाहे पेट स्कैन सब बहुते करै छी तो यहाँ डॉक्टर सब जे जनकपुरमे काम करै छथि ओसब नहि करि सकै छथि तऽ हुनसब उस यहाँके डॉक्टर सब केना इलाज करतै तऽ वएह एक्सरे के थ्रू अल्ट्रासाउंड के थ्रू की कहै छै खून के टेस्ट के थ्रू हमरा हिसाबसँ तो ओतऽ जरूरी है आब हरेक डॉक्टर साहब सब उचित प्रैक्टिस ही करै छथि से तऽ हम नहि कहि सकै छी कैला कि ओ तऽ
हरेक व्यक्ति फरक छ है अब त हरेक प्रोफेशन में छ मेडिसिन में मात्र नहीं कि वो हरेक प्रोफेशन में छ वो बात लाइक सर अपने जनकपुर में प्लस टू के ने अभी हमरा समय तो बुझाया जी हम रारा वर्क कैंपस से के लिए प्लस टू तेके बाद बैचलर या एमबीबीएस धरान सर जी अमेरिका केना पहुँच रही डॉक्टर साहब तो मैं कैंसर स्पेशलिस्ट बनबे से अपने के ट्रैवल कही यात्रा कही केना तय भेले तब ऐसे है कि एमबीबीएस कैला के बाद में हम एक साल हाउस स्टाफ के रूप में मेडिकल ऑफिसर के रूप में धरान मेडिकल कॉलेज में काम कर लिए जी पीपीकेएचएस में ऐ के बाद में काठमांडू में वीर अस्पताल में एक साल तक काम कर लिए लेकिन वही दो साल में विभिन्न टेस्ट सब हुई थी एग्जाम हुई थी जी वो सब देव पड़े थे अमेरिका जाए के लगे दो एग्जाम जो देवे वो रखा है जो USMLE यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंस एग्जाम तो मेन बात ये है तो कारण ये ऊपर से परीक्षा लेवा के ये जानो लगे कि हमार ट्रेनिंग अमेरिका के डॉक्टर के ट्रेनिंग के बराबर ही सेम लेवल के जी तो वही समय अगर बढ़िया नंबर लावे तब अहाँ अप्लाई कर सके वहाँ की कहे एम डी करे के लगे आ तब जे अप्लाई जे करबे वहाँ के जे प्रोफेसर सब के बुझात कि हाँ ये कैंडिडेट ठीक है तब इंटरव्यू के लगे आपने बजात आ तब इंटरव्यू में बुझात कि हाँ खाली परीक्षा में बढ़िया अति नंबर ना लगे से बातों करे में सही आदमी बुझाए तब अहाँ के सिलेक्शन होइ छे तकर बाद उतर जाके स्पेशलाइजेशन भेल जी जी डॉक्टर साहब अपना सब कार्यक्रम के अंत में छी जी अपने के जे एकटा ड्रीम अछि कैंसर हॉस्पिटल अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल जनकपुर में हुए वही के लिए केहन वातावरण बनते तो अपने वही काज में सफलता प्राप्त करबे की उपलब्ध होबा चाहिए अपने के लिए तो मेन बात यह है कि हमारा लोकल आदमी से है ना लोकल लीडरशिप चाहिए मतलब नेतृत्व करे वाला कुछ आदमी चाहिए जे कि हमारे साथ काम कर सके तो वही में हमारे सबके ई ना है दूसर प्रोजेक्ट जिखाने से कि है ना हम सब प्रोजेक्ट बना दी बहुत तो भाग गए से बात नहीं हम सब चाहिए पार्टनरशिप और ये कैंसर अस्पताल बनते जनकपुर के लोग कैंसर अस्पताल होते जनकपुर के कैंसर अस्पताल होते तो वही के लागे जो लीडरशिप होते तो हम सब ये तय करबे कि कौन कौन चीज जरूरत है ऐ के बाद में कौन कौन फेज में कैल जा सके कैला कि सबके पास कम टाइम है तो हम सब जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हम सब चाहिए कि एकदम एक साल में कुछ करो कहीं तो एक ही साल में करो पड़े तो एक साल के काम लंबे आके दस साल नहीं करो पड़े विथ प्लानिंग करो के एग्जैक्टली अब जैसे निजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के बात करे छे तो कै साल से हो रहा है मालूम नहीं कहिया होते तो जै ढंग से हम काम करे छे और विनय द्वारा फाउंडेशन काम करे छे हम सब चाहे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ सरकार के साथ काम करे छे चाहे सिविल सर्विस अस्पताल के साथ काम करे एकदम टाइम वाइज टाइमली ढंग से अथी काम करी छी तो मेन बात ये भेल कि लीडरशिप होय पड़लै आ प्लस ई रियलाइज करे पड़लै कि की जरूरत है या कोन हिसाब से टाइम वाइज काम कयल जा सकै छै एकटा ग्रुप क्रिएट करे पड़लै एग्जैक्टली अमूल्य समय के लेल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बहुत थैंक यू दर्शकबिन इसलिए डॉक्टर विनय शाह जी कैंसर आ ब्लड रोग विशेषज्ञ यूएसए अमेरिका में अपन चिकित्सा पेशा में एक चर्चित डॉक्टर के रूप में काज करे छथिन जनकपुर के छथिन आ एखन विदेश में छथिन हिनका संगे जनकपुर आ अमेरिका के चिकित्सा पद्धति कैंसर रोग के विषय में समेत हम सब बातचीत केलहुँ निर्धारित समय समाप्त भेलाके कारणे कार्यक्रम सँ आज्ञा चाहै छी नमस्कार।